आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे होंगे और इनका नाम है एकनाथ सिंधे और वर्तमान में आप देखेंगे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीतिक ड्रामा चला उसके बाद आप देखिए एक नाथ ने कुछ कुर्सी संभाली तो इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और एक समय आप देखेंगे ये टैक्सी चलाते थे रिक्शा चलाते थे और आप देखिए आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और एक समय कहा जाता है कि जब इनके एक बेटे और एक बेटी की डेथ हो गई थी नाव पलटने से डूब पानी में डूबने से तो इन्होंने राजनीति छोड़ने का संन्यास ले लिया था देखिए और पिक्चर है आप देखेंगे ये आप देखिए इनका परिवार है इनका बेटा है बहू है और इनकी बेबी है ये आप देखिएगा और महाराष्ट्र की अगर आप लोग देखें ना तो ये हमारा प्यारा भारत है इसमें आप लोगों को महाराष्ट्र देखने को मिलेगा इसे आप देखेंगे कि एक मई 1960 में राज्य बनाया गया था महाराष्ट्र को इसकी सीमा गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना कर्नाटक और गोवा से लगती है विधानसभा में आप देखेंगे दो सीटें हैं विधान परिषद भी है जिसमें अठहत्तर सीटें हैं राज्यसभा में 19 सीटें हैं लोकसभा में 48 सीटें हैं तीन लाख सात हजार सात सौ तेरह वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है क्या फैला हुआ है महाराष्ट्र वहीं अगर हम लोग शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं और शिवसेना की बात करें तो आप देखें उन्नीस में इसकी स्थापना की गई थी बाल ठाकरे के द्वारा बाला साहब ठाकरे के द्वारा इनका पूरा नाम एकनाथ संभाजी सिंधे है 9 फरवरी 1964 को पहाड़ी जवाली सतारा जिला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था इनके पिता का नाम संभाजी नवलू सिंधे और इनकी माँ का नाम गंगूबाई सिंधे और इनकी पत्नी की बात करें तो आप देखिए लता एक नाथ सिंधे जो एक बिजनेसमैन है व्यवसायी है इनके दो बेटे आप देखेंगे श्रीकांत सिंधे राजनेता हैं और इनके एक बेटे का नाम दीपेश दीपेश सिंधे जिनकी डेथ 2 जून दो सन दो में हो गई थी इनकी बेटी का नाम सुभधा सिंधे था और जिनकी डेथ दो जून दो सन दो में हो गई थी एक नाथ ना सिंधे एक बेटा दीपेश सिंधे और जिसकी उम्र महज उस समय 11 साल थी और बेटी की उम्र आप देखें सुविधा की 7 साल थी जिनको लेकर वह सतारा जिला घूमने गए थे और बोटिंग दुर्घटना में उनके दोनों बच्चों की उनकी आंखों के सामने डूब गए थे और उनकी मौत हो गई थी अगर हम लोग एक नाथ सिंधे की शिक्षा की बात करें तो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल ठाणे मुंबई से इन्होंने शिक्षा ली हुई है और विश्वविद्यालय की बात करें तो वसंत वासवंत राव चौहान मुक्त चौहान मुक्त विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से इन्होंने शिक्षा ली हुई है उन्नीस सौ इक्यासी में मंगला हाई स्कूल से दसवीं और जूनियर कॉलेज ठाणे से ग्यारहवीं की पास की और यशवंत राव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से इन्होंने स्नातक किया हुआ है डिग्री ली हुई है एक राजनेता हैं और व्यवसायी बिजनेसमैन भी हैं शिवसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुके हैं अगर हम लोग इनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो उन्नीस में वह पहली बार ठाणे नगर निगम के लिए पार्षद चुने गए थे सन 2001 एक में एकनाथ शिंदे को ठाडी नगर निगम में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था फिर आप देखिए सन 2002 में वह दूसरी बार ठाणे नगर निगम के लिए चुने गए थे फिर आप देखेंगे 2004 में उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित किया गया था और आपको मालूम होना चाहिए कि विधायक की बात होती है ना तो इसकी अगर विधायक का किसी को चुनाव लड़ना है तो उम्र कम से कम पच्चीस साल रखी गई है अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका आप डालने भी जाते होंगे 2005 में एक नाथ सिंधे को शिवसेना पार्टी में इतने पर होने पहले विधायक है। और दो हजार में सिंधे को दोबारा से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित किया गया और वर्ष दो में उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के लिए तीसरी बार निर्वाचित किया गया था फिर आप देखेंगे कि अक्टूबर चौदह से दिसंबर 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे 2014 से 2019 तक उन्होंने महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यू के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम किया एक नाथ सिंधे वर्ष दो से दो तक ठाणी जिले के संरक्षक मंत्री भी रहे 2018 में उन्होंने शिवसेना पार्टी का नेता नियुक्त किया गया था 2019 में वह महाराष्ट्र राज्य सरकार में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने 2019 में वह लगातार चौथी बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए और 2019 में उन्हें शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया था और आप देखिए के तहत कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी इन्होंने और दो में एक नाथ को शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री नियुक्त किया गया था वर्ष दो में उन्हें गृह मंत्री कार्यवाहक नियुक्त किया गया था वह इस पद पर आप देखिए अट्ठाईस नवंबर दो 19 से 30 दिसंबर 2019 तक काम करते रहे 2020 में उन्हें ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और आप देखेंगे कि 30 जून 2022 एक नाथ सिंधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी आप देखेंगे कि पहले उद्धव ठाकरे थे यहाँ के मुख्यमंत्री पर आप देखिए शिवसेना के ही विधायकों को अलग करके किसने एक नाथ सिंधे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और खुद चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन गए अभी तक की एक नाथ सिंधे की यही कहानी है एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं आगे क्या होता है किस तरह का इनका राजनीतिक सफर रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इसके लिए ये रहता है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रह करिएगा आजकल तो आप लोगों के पास डिजिटल दौर है मोबाइल है फोन है तो आप लोग उससे भी खबरें लेते रहते हैं सभी नेताओं के बारे में जानकारी रखते रहते हैं किसी और के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे ठीक है